है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। गांव वाले जब महानगर की ओर चले जाते हैं तो कोई रास्ता तो मिलता नहीं, किंतु पगडंडियाँ और बैलगाड़ियों का वह रास्ता ही पर्याप्त होता है। जब कभी भी बिहार में पास ही गांव नगर आते हैं, सर्वप्रथम उत्साह के साथ प्रसन्नता के साथ हाथ में झालर लेकर के और वादन लेकर के सर्वप्रथम बच्चों के द्वारा ही स्वागत होता है। ध्यान रखो, आप दुकान चले जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो क्या पैसा जब देते हैं, नोट देते हैं, तो दुकानदार कहता है भैया हमारे लिए चिल्लर चाहिए, चिल्लर। तो उसी प्रकार अब यह अवसर प्राप्त हो रहा है छोटे छोटे चिल्लर पार्टी के द्वारा। और यह शुभ अवसर का ही नमूना है कि हम आज कम से कम भी 30 साल से जब पहला इलाके के लोग मुख्य रूप से जंतूर वाले महाराज ये क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या, वो क्षेत्र अपने को अवश्य चुंबकीय तत्व के माध्यम से यूं खींचेगा ही, तो खींचेगा तो हम खींच जाएंगे। लग नहीं रहा है हम क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, बल्कि क्षेत्र पास पास आ रहा है। जब हम चलते हैं तो पैरों में थकावट भी हो, जब हमारे लिए क्षेत्र महाराज पास पास आ रहा है तो ये हराल पास पास आ रहा है, डोनगांव पास पास आ रहा है, सेनगांव पास पास आ रहा है, रिसोर्ट पास पास आ रहा है,
हम पास पास जा भी रहे हैं तो वो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ये आ रहा है। अभी तक मन में बहुत बार सोचा था लेकिन संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। तो अभी महाराज जी ने आप ब्रह्मचारियों ने आप लोगों को संकेत तो दे दिया होगा और इस प्रकार कोई भी बच्चा इस संस्कार से रहित ना हो, क्योंकि जिस प्रकार विद्यालय में प्रवेश है अध्यापक उत्साहित होकर के उन बच्चों को भर्ती कर देते हैं और जीवन की कुंजी उनकी हाथ में आ जाती है, क्योंकि माता पिता रहने वाले नहीं होते हैं किंतु वो बच्चे संस्कारित होकर के ये वही तो बच्चे जो विशाल विशाल मंदिर और बिंब स्थापना वगैरह हुई हैं उनको एक प्रकार से उनकी सेवा क्या उस निमित्त से अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप लोगों के पूर्वजों ने इस प्रकार का अवसर दिया, आप लोगों का कर्तव्य है आप अपने बच्चों को इस प्रकार जिसके द्वारा उसके पास लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों ही आ जाए और जीवन सार्थक हो जाए, बुद्धि भी हमारे अच्छी रास्ते पर हो और अपना शरीर भी उस रास्ते पर चलने योग्य हो, तन भी और मन भी जब इन संस्कारों से संस्कारित होंगे तो अपने आप ही धन तो बरसता रहता है। देव जो ऊपर बैठे रहते हैं वह और देवों के ऊपर वर्षा नहीं करते, किंतु ऐसे संस्कार के धनी नगरों के ऊपर और गांवों के ऊपर और संतान के ऊपर संसार के ऊपर हमेशा हमेशा वे वह एक प्रकार से मंगल वृष्टि करते रहते हैं और अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। आज यहाँ पर हराल नगर में आना हुआ है, पहले बहुत कम सुनते थे ये, जब सड़क पर होते हैं उनको बार बार सुना ही जाता था, लेकिन जैसे जैसे पास आ गए तो ये हराड़ा अपने बीच में अपने आप ही आ ही गया। और इसके पीछे चार पांच महीने से या यूं कह दो महाराष्ट्र में जब से प्रवेश हुआ है तब से अब तो महाराष्ट्र में तो आए गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र वैसे ही नाम के अनुसार वो बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत का उपराष्ट्र ही महाराष्ट्र है। तो फिर राष्ट्र का क्या कहना जिसके ये एक हिस्से का नाम महाराष्ट्र है और आज सैकड़ों किलोमीटर चलने के उपरांत भी वह चारों तरफ वैसे फैलता हुआ ही नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए अवसर, और आप लोगों को जो प्राप्त शेष जीवन है उसको अवश्य ही इस सत्कार्य करते हुए आप अपने उपसंहार करेंगे। संस्कार लेकर के गए हैं तो संस्कार लेकर के आए हैं तो संस्कार लेकर के ही आगे के पड़ाव तक
पहुंचना है। यहाँ पर रुकना किसी को है ही नहीं, इसलिए अपने को चलना जब अनिवार्य है तो सही दिशा की ओर ही हमारी दृष्टि पहुंच जाए, हमारे कदम उठ जाए, और इस प्रकार यह एक प्रवाह परंपरा, यह प्रवाह एक प्रकार से चलता रहे, ताकि किसी प्रकार से लोग गैर मार्ग की ओर, राह की ओर न जाएं, और जो जा रहा है उसको भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनसे उनको हटा करके अपने साथ ले जाने का प्रयास करें। हमेशा हमेशा बड़े लोग वही माने जाते हैं, छोटों को अपने साथ ले जाना चाहते ही नहीं, केवल चलते भी हैं। छोटे बच्चों को जब तक हम साथ साथ नहीं ले जाएंगे, तब तक वे कभी भी कह नहीं सकते कि सही मार्ग पर चलेंगे। बार बार उनको संकेत देना पड़ता है और शिक्षण देना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है। जैसे हमें मिला प्रोत्साहन, जैसे हमें मिला है एक प्रकार से दिशाबोध, उसी प्रकार हम इन सबको जो कमज़ोर हैं, नादान हैं, अज्ञान हैं, किंतु संस्कार लेकर के आए हैं, ध्यान रखो है, किंतु मनुष्य जो जीवन जीते हैं वह स्थान बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसी छोटे में ही मुक्ति मार्ग भी बताया गया है, और वहाँ उसको हासिल भी किया जा सकता करते हैं भावी लोग। इसलिए अपने जीवन का मुख्य धन समय है, काल है, उम्र है, जो हम लोगों को उपलब्ध है वह उपलब्ध है, खर्च ही होता जा रहा है। सबको हम बढ़ा सकते हैं, किंतु काल को बढ़ा नहीं सकते हैं। काल के माध्यम से हम बड़े अवश्य होना चाहेंगे, और हम काल से भी, काल को भी जीतने का अधिकार रख सकते हैं। हम काल जयी बने, ऐसे सदग्रंथों का वाचन पाठन और स्मरण लेखन आदि हमेशा हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि भारत का एक जो हम सुनते हैं कि इतिहास, उस इतिहास को साक्षात देखने का भी अवसर हमें प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, जैसे आप अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, ये अर्थ पुरुषार्थ का भोक्ता जो होगा वह अपना संतान है, उसको भी हम बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। एक किसान यदि वृक्ष वह लगाता है, रोपता है, तो निगाह उस ओर उसकी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर खेत बहुत सारे होते हैं, खेतों में यदि जाते हैं तो किसान सर्वप्रथम मेड़ पर खड़ा होता है। मेड़ी बोलते हैं आप लोग? हाँ, वह किसान मेड़ पर तैयार होता है, खड़ा होता है, और चारों तरफ अपनी निगाह से देखता है, और उसको उस फसल को देख करके बिल्कुल खुशी होती है, और वहाँ उसको क्या क्या और चाहिए, उसी मेड़ पर खड़े होकर के वह देखता रहता है, और उस फसल को बहुत ही सावधानी से समय समय पर उसके लिए वह परिश्रम करता है, पानी का प्रबंध करता है, अच्छे खाद इत्यादि का प्रयोग करता है, और भावना हमेशा भाता रहता है, हे प्रभु सब संसार के लिए हमारे जो बोया हुआ है
वह फसल आ जाए और यह सब लोग उसके माध्यम से सुखी रहे, जीवंत रहे, धर्म कर्म में हमेशा हमेशा लगे रहे। हम यम कभी भी सुनते हैं, रात में वो उठते हैं, उस समय में भी दूर दूर से किसानों की आवाज़ आती रहती है। वे जब तक जाएंगे नहीं खेत, उससे पूर्व से ही भगवान से भजन करना प्रारंभ होता रहता है और उसके साथ साथ सब और भी उठ जाते हैं, मुर्गे वगैरह, कुक्कुट वगैरह बोलते रहते हैं, वो आपको उठाते रहते हैं। आप लोग घड़ियाँ आ गई हैं, उठाते हैं, फिर भी आप लोग सो जाते हैं, है ना? वो और आप उसको सुन करके ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को गुरु ही आदि उठा रहे हों। संस्कार के माध्यम से ये सब अपने जीवन में आपके बच्चे, आपके संतान, आपके जो कुछ भी हैं नाते रिश्ते वाले, वो भी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और ज़्यादा न कह करके, इतनी ही बात कह करके आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों के यहीं पर पास पास लगभग 50 किलोमीटर में ही चातुर्मास हुए हैं, वहाँ पर वह भी गांव है, लेकिन ऐसा लगता था पूरा पूरा भरा हुआ है, जगह रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं। खड़े हो करके ही कई बार कई लोगों ने प्रवचन सुने हैं। हम खड़े हो गए तो वहाँ पर ऊपर दूर दूर दिखते थे। हाँ, तो हमने ये कहा कि भैया पास बैठने वाले आप बैठे रहो, थोड़े से बहुत दूर से तो बैठे भी नहीं, खड़े हैं, उनके लिए हमारा आशीर्वाद पहुंचा दो। उन लोगों को भी अच्छा लगता था क्योंकि प्रबंध था। ये जो प्रबंध है अपने आप में संयम का प्रतीक है। अपनी इस ध्वनि को वह प्रतिध्वनि न बना करके लाउड यानी दिव्य ध्वनि के जैसे बना दिया जाता है और बहुत दूर के व्यक्ति भी उसको सुन करके लाभान्वित हो जाते हैं। और मैं यहीं पर हाथ करता तो ये हाथ उन लोगों को भी दिखता था, इतना पर्याप्त होता है। ऐसे ही आप लोग हमेशा हमेशा इन जनता के प्रति भी व्यवहार करेंगे। 4 दिन मिले हैं, 4 दिन सब मिलजुल करके रहे हैं, यही हमारे भावना है। क्योंकि मिलजुल करने रहने से एक अलग ही स्वाद आता है, नहीं समझे? अपने अकेले में कभी भी आता नहीं, दो साथी आगे पीछे रहते हैं तो पीछे के जो देखने का भी जो कम से कम अवसर मिल जाता है, छोटे रहते हैं उनको भी आप आगे बढ़ाएं, तो थक रहे हैं, रुक रहे हैं, उनको भी सांत्वना दे करके भैया उपयोग करना चाहिए। अहिंसा परमो